ये बातें देख सुनने में आ रही है कि ब्राह्मण मर जाएगा पर दलितों को वोट नहीं देगा, बसपा को वोट नहीं देगा, ऐसा नहीं है। दो नाम बताएं, गांव बताएं। साजन शर्मा नाम है, जेवर विधानसभा से हूं जी। ब्राह्मण 2007 की तरह फिर बहन जी के साथ है जी, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। 5% की वोट की उम्मीद रहेगी तो ब्राह्मण पूरा करेगा, पूरा करेंगे जी, एकदम पूरा करेंगे। फुल के सपोर्ट है ब्राह्मणों का पूरा। बसपा से इतना प्रेम क्यों हो गया? बसपा से प्रेम, हमारी गृह जनपद की हमारी बहन बेटी है, हम उनके साथ नहीं लगेंगे, किसके साथ लगेंगे? आपकी बेटी होंगी, आपकी बहन होंगी, लेकिन जो सर्व समाज की बात करें तो जो आपने बोला कि आप पूरा समाज हमारे बसपा के साथ है, तो क्या प्रेम हो गया जो बसपा से इतना ज्यादा प्रेम हो गया बीजेपी को छोड़? क्योंकि अधिकतर ये सीधी सीधी बात है, बीजेपी के वाले बताया, बीजेपी वालों ने हमारे साथ ब्राह्मण समाज के साथ इसमें पूरा भेदभाव किया है, इतने एनकाउंटर किए हैं बेमतलब की, और जिसका दोष भी नहीं है वो खुशी दुबे उसको आज तक जेल में डाला हुआ है जी। तो हम भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नकार। एक ब्राह्मण ये भी खड़े कर रहे हैं ना, यूं कहा जाता है कि बीजेपी का बड़ा कैडराइज वोट होता है ब्राह्मण, तो अब ब्राह्मण कहाँ जाने के मूड में? आप भी ब्राह्मण है या नहीं है ये बताइए, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा, इधर आ जाइए। जनपद गौतम बुद्ध नगर रऊपरा के पास भुन्ना गाँव है मेरा। ब्राह्मण पूरी तरह बहन जी के साथ है और पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी बनाने जा रही हैं जी, और सभी वर्ग के लोग तो साथ हैं ही हैं, पर ब्राह्मण पूर्णतया बहन जी के साथ है। ऐसा क्या बहन जी का कार्य है, बहन जी का ऐसा कौन सा करिश्मा है जो आज पूर्ण रूप से ब्राह्मण साथ में है? जो अत्याचार ब्राह्मण समाज पे और जो सरकारों में हो रहे हैं, वो बहन जी के सरकार में कोई अत्याचार ब्राह्मणों पे नहीं हुआ जी। उन्होंने सभी को एक समान देखा है जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अधिकतर बीजेपी और कांग्रेस के अंदर सबसे ज़्यादा दलित हैं, सीधी सीधी बात करें तो, लेकिन बीएसपी को सिर्फ दलितों की पार्टी क्यों कहा जाता है जबकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण भी हैं और मुस्लिम भी हैं, तमाम समुदाय के लोग हैं, सभी जाति आधार के लोग हैं, फिर भी इसको दलितों की पार्टी क्यों कहा जाता है वह बताएँ। एक देश की एक मानसिकता है जो इस देश में सामाजिक गैर बराबरी को बनाए रखना चाहते हैं, जो समानता और भाईचारा नहीं चाहते, जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहते, वो लोग ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का नेता मानते थे, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के प्रत्येक नागरिक के नेता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान में ये कहा है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ किसी उसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता, यानी वो राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक नागरिक के नेता रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके सामाजिक गैर बराबरी के ताने बाने को टिकाए रखने वाली मानसिकता के लोग बाबा साहब अंबेडकर को भी दलितों तक सीमित रखने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। और उसी किस्म से, चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी की एकमात्र बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी हैं, इसी मानसिकता के लोग माननीय बहन जी को भी लगभग उसी दिशा में इसे साबित करने की कोशिश उनका प्रयास है, लेकिन वो प्रयास नकारा है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार इस बात का उदाहरण है कि पहले से ही बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज के लोग थे, और कोई नई बात नहीं है। 94 में माननीय कांशीराम साहब के समय में सर्व समाज की बात को ध्यान में रखते हुए जयंत मल्होत्रा जी को राज्यसभा भेजने का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया था। उसी के साथ साथ 1996 में मुझे पुख्ता याद है, जो जनपद बुलंदशहर की खुर्जा विधानसभा सीट से ठाकुर पप्पन राघव को माननीय कांशीराम साहब ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर एमएलए लड़ाने का काम किया था, मुझे पुख्ता याद है, और ये बिल्कुल जानकारी पुख्ता है। बुलंदशहर की डिवाई विधानसभा सीट से 1996 में जब माननीय कांशीराम साहब सर्वे सर्वा बीएसपी के होते थे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पंडित अनिल शर्मा एडवोकेट पुत्र श्री गंगाशरण शर्मा को डिवाई से 1996 में लड़ाने का काम किया था। तो बहुजन समाज पार्टी आज नहीं, ये माननीय कांशीराम साहब के समय से सर्वजन समाज के हितों के ध्यान रखने वाली सर्व समाज की बीएसपी है ये। ओम प्रकाश जी, एक सीधा सवाल मैं आपसे करूंगा, आपने सर्व समाज की बात करी लेकिन बहन जी के ऊपर एक बड़ा कैड़ा सा आरोप लगता है कि बहन जी मिशन मूवमेंट भूल गई हैं, बहन जी मिशन की बात नहीं करती हैं, बहन जी ब्राह्मणों के हाथ की कठपुतली बन गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? और इवन चलिए इसको सवाल के बाद हम दूसरा सवाल रखेंगे आपसे। ये जो सवाल है जिन लोगों का है, मैं उनके बारे में बता दूं, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में मलाई मारने के बाद अपना जो स्टेटस जो कमजोर हुआ है उसको, अपने भविष्य को सुरक्षित करने को जो दूसरे दलों में गए हैं, ये उनका सवाल है। और मिशन से भटकने की बात मैं उन गद्दारों के लिए मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से कि मिशन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चाहत पूरा करना,
इस देश में बाबा साहब अंबेडकर बुद्ध फूले शाहू के सपनों का भारत बनाना ये मिशन है। इस मिशन पर माननीय बहन जी ने जब जब सरकार आई है उस मिशन को अमली जामा पहनाने का काम बुद्ध फूले शाहू अंबेडकर संत कबीर महामाया नगर के आदर और सम्मान में योजनाएं जनपद आदि बनाने का काम हुआ, ये मिशन है। दूसरी बात, बाबा साहब का जो मिशन अभी मैं बात कर रहा था कि इस देश के किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, अर्थात बाबा साहब अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है वो समता मूलक समाज की है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर के मूवमेंट को बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करने का जो संविधान कहता है, इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी इस देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती हैं, इसीलिए उनकी जो आइडियोलॉजी समतामूलक समाज की है उसमें ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय वैश्य पाल प्रजापति मल्ला कुशवा निषाद केवट गुजर अहीर जाटव चमार वाल्मीकि धोबी पासी कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको मान्य बहन जी संगठन से लेकर के और विधायक बनाने तक मंत्री बनाने तक सबको काम न करती हो। असली मिशन ये है बाबा की चाहत पूरा करना, और बाबा साहब की चाहत पूरी है कि इस देश का जो राजकाज हो वो संविधान के हिसाब से हो, और वो संविधान को अमली जामा केवल बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले ही पहना सकते हैं। केवल बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने वाले वो दूसरे एक सामाजिक गैर बराबरी की व्यवस्था को टिकाए रखने वाले कभी बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं कर सकते। बाबा साहब का मिशन समतामूलक समाज, सभी लोगों के हितों की रक्षा। वो जिस पार्टी में जाकर के मिशन की बात कर रहे हैं उन गद्दारों को पता नहीं है उनके समाज की, देश की 23% आबादी जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट बनती है, उस पूरी आबादी के अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण के बिल को जिसमें वो बोल रहे हैं उसी पार्टी की सरकार ने भारत सरकार के बिल को फाड़ने का काम किया था। उन्हीं लोगों के उस नेता ने बुद्ध फूले शाहू अंबेडकर संत कबीरनगर महामाया नगर इन सब के आदर और सम्मान में बनाए गए 17 मान्य बहन जी द्वारा बनाए जिलों को 13 जनवरी 2004 को खत्म करने का काम किया था। इतना ही नहीं, जब जब उनको मौका लगता है तब तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में विकास के लिए बनाई गई अंबेडकर विकास योजना को भी सबसे पहले खत्म करने का काम वही लोग करते हैं जिसमें वो लोग कहते हैं मिशन से भटक गई हैं। आप समझ रहे होंगे जिन साइकिल वालों की वो बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ से गए गद्दार लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। ओम प्रकाश जी, किस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का बहन जी ने आगरा में भाषण दिया वह शायद आपने सुना भी होगा, और गाजियाबाद के अंदर क्या लगता है बहन जी किस तरीके का भाषण देने वाली है आगरा को देखकर? माननीय बहन जी का जो हमने अभी कल आगरा सुना है जी, और वैसे तो माननीय बहन जी को हम रोजाना ही उनकी गाइडलाइन बहन जी का निर्देश हम लोग पढ़ते रहते हैं, बहन जी का कैडर हम लोग प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं जी, और आज जो माननीय बहन जी जो है बात करेंगी जी, तो हमको लगता है कि ये जो मेरठ मंडल है जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ तो होना तय है जी, चूँकि माननीय बहन जी का जो शासन जब जब शासन आया है तब तक सामाजिक न्याय की बात हुई है, तब तक समानता की बात हुई है, तब तक भाईचारे की बात हुई है, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो पिछले 10 सालों में जो प्रदेश की जनता जो कुशासन झेल रही है उससे छुटकारा पाने के लिए जनता पिछले कई महीने से आतुर है कि किसी तरह से वोट डालने का दिन हाथ आ जाए और इस भारतीय जनता पार्टी को वहां पहुंचा दे जहां ये 40-48 सीट पर हुआ करती थी। तो इस किस्म का इधर माहौल है, और माननीय बहन जी के आने से हम इधर देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोग, जो सरकारी मीडिया जो ये कहता था जबरदस्ती रोजाना कहता है कि बहन जी नहीं जा रही है, माननीय बहन जी लगातार बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम जमीनी स्तर पर पिछले 2-2.5 साल से लगी हैं, पूरा बूथ तक का संगठन बहन जी की देखरेख में तैयार हुआ है, और माननीय बहन जी के आज आने से निश्चित तौर पर जो सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की झूठ की किसान विरोधी, जन विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी और अपराधीकरण की इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए सर्व समाज के लोग माननीय बहन जी को सुनने इधर पहुंचे और निश्चित ही बदलाव यहाँ से होने वाला। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।